फाइनली बर्तन धुल लाया हूँ। और आप लोग भी अगर यहाँ पे आते हैं तो आप लोग को भी बर्तन धोना पड़ता है, ऐसा नहीं कि कोई और धो के लाएगा और आप लोग बनाएंगे सिर्फ, ठीक ना। तो आप लोग खुद से जो है सारा काम करने की कोशिश करें ताकि कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, ठीक है। इसमें जो है दोस्तों थोड़ा सा जो है आटा इसमें मिक्स करते मिक्स मिक्स थोड़ा सा जो है आटा इसमें मिक्स करके आप लोग धो लीजिए। पहले जो नए नए बाहर में गए हैं उनको ज़्यादा दिक्कत है, इस वीडियो को देख करके अपना बना सकते हैं। तो चलिए मैं इसको धो करके लाता हूँ फिर दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। इसमें जो है आटा मिला करके आप लोग धो सकते हैं, थोड़ा क्लीन हो जाता है बढ़िया, ठीक है। फाइनली मैं मच्छी धो करके ला दिया हूँ, देख सकते हैं कितना क्लीन हो गया है, ठीक है। इसको फ्राई करने के लिए आप स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं, और इसमें अगर दो अंडा मिला करके आप लोग फ्राई करते हैं तो और बेटर होगा, नहीं मिलाएंगे तब भी कोई बात नहीं है। देख सकते हैं ये फ्राई करने वाला जो है फिश करी और फ्राई करने वाला मसाला अलग अलग होता है, तो इसको हम लोग को मिला देना है, और हल्दी मिला देना है थोड़ा सा स्वाद अनुसार, और नमक मिला देना है, ठीक है। तो चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं, और फ्राई करने के बाद बना लेते हैं, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर मिला सकते हैं, और चाहिए तो दो अंडा फोड़ के इसमें डाल सकते हैं, इसी में डाल सकते हैं दो अंडा फोड़ करके, नहीं डालेंगे तो भी कोई बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा इसमें ऑयल डालेंगे, और जो खाने वाला ऑयल है उसी को डालेंगे, और इसी ऑयल में फिर फ्राई भी करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो हम चलिए फ्राई कर लेते हैं फिर, ठीक है। इसको मिला लेंगे, इसको ऐसे मिला लेंगे, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, इसको ऐसे मिला लेते हैं, इसको ऐसे मिला लीजिए बढ़िया से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आदमी जब पहली बार दूसरी बार बनाता है थोड़ा दिक्कत होता है, दूसरी तीसरी बार में सीख जाता है। तो ये ना कोई समझे कि हमें बनाना नहीं आता तो मैं बनाऊंगा ही नहीं, आप लोग बनाएंगे तभी पता लगेगा आप लोगों को, तभी मालूम पड़ेगा, ठीक है। कोई भी अगर बाहर में काम करने आना चाहते हैं तो उनको खाना बनाना पहले ज़रूरी होना चाहिए, खाना बनाने के लिए सबसे पहले मालूम होना चाहिए तभी उनको अच्छा रहेगा, ठीक है। इसको मिला लेंगे और एक एक करके फ्राई कर लेंगे, ठीक है। चलिए फिर फ्राई कर लेते हैं और फिर दिखाते हैं। मच्छी बनाने के लिए काफ़ी प्याज का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। एक से दो प्याज आप लोग करी अनुसार रख सकते हैं, और लहसुन मिर्ची है जो है उसको आप लोग स्वाद अनुसार रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग लहसुन मिर्ची कूट लीजिए, ठीक है, कूट करके, और एक दो प्याज इसमें काट लीजिए और लहसुन मिर्ची कूट करके बना सकते हैं। हो सकता है अगर चाहिए आप लोगों को तो सरसों का पाउडर जो है होता है वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम कूट लेते हैं और काट लेते हैं, मच्छी फ्राई कर लेते हैं, मच्छी को भी फ्राई कर लेते हैं, इसको भी बना लेते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। तो मिर्च जो है बारीक बारीक काट लें, इस प्रकार से, इस प्रकार से बारीक बारीक काट करके चाकू से, और इसमें डाल लें, इसमें डाल लें, और ये लहसुन जो है, ठीक है, एक केजी में हमने दो लहसुन जो है लगभग डाल रहे हैं, और प्याज बिल्कुल कम, क्योंकि जो है चिकन में आप लोग जितना प्याज डालते हैं मच्छी में उतना ना डालें, ठीक है, क्योंकि स्वाद बिगड़ सकता है। एक या दो प्याज इसमें करी के लिए सिर्फ डाल सकते हैं। तो हम ये छील लेते हैं और इसमें डाल करके, इसमें डाल करके कूट लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप लोग कूट लीजिए, इसमें टमाटर प्याज सारा कुछ ऐड करिए, ठीक है, इस तरीके से आप लोग बना लीजिए। मैं फाइनली जो है देख सकते हैं इसमें ऑयल डाल दीजिए, ठीक है, मैं ये सब काट लिया हूँ, टमाटर भी आप लोग ऐड करें, ठीक है, टमाटर भी ज़रूरी ऐड करें आप लोग। तो इसमें जो है ऑयल डाल दें, ऑयल डाल करके, ठीक है, आप लोग फ्राई पैन है उसमें भी फ्राई कर सकते हैं, तो हमारे पास नहीं है इसलिए हम इसमें फ्राई कर रहे हैं, ठीक है।
तो आप लोग फ्राई वाला में भी जो है एक दो तीन मछली एक ही बार में कर सकते हैं फ्राई। तो कुछ मछली इस तरह इस प्रकार से फ्राई कर लेते हैं, ठीक है, और फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो जब ऑयल गर्म हो जाए, जब तेल गर्म हो जाए तो कुछ स्लो कर ले, ठीक है, गैस थोड़ा स्लो कर ले, और कुछ इस प्रकार से मच्छी को मिला करके थोड़ा सा मतलब बच करके, ठीक है, मतलब जल ना जाइए आप लोग, तो थोड़ा बच करके इसमें डाल सकते हैं। अगर जगह हो बर्तन में तो आप लोग दो दो मच्छी तीन तीन मच्छी डाल सकते हैं, इस तरह से डाल सकते हैं। डाल करके आप लोग चलाइए मत, थोड़ा सा उसको होने दीजिए, थोड़ा सा जब हो जा रहा है तब उसको पलट दीजिए, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोगों को ज़्यादा छींटा आ रहा है तेल का देह के ऊपर शरीर के ऊपर, तो आप इसको ऐसे डाल करके ढाँक सकते हैं, ठीक है, इसको ढाँक सकते हैं ताकि आप लोग जले ना, मतलब हाथ ये जो है हाथ उससे ऑयल ना आए, जिससे आप लोग बच सकते हैं, ठीक है। ढाँक के भी आप लोग कर सकते हैं, गैस थोड़ा स्लो कर दें और ढक दें थोड़ा सा, थोड़ा देर के बाद आप लोग। तो दोस्तों कुछ देर के बाद, मतलब एक मिनट के बाद, एक या पचास, ठीक है, आधा मिनट के बाद आप लोग इसको रख सकते हैं और मच्छी को पलट दीजिए। आप लोग देख सकते हैं पकड़ा नहीं है, ठीक है, आप लोग तुरंत अगर चलाएंगे तो पकड़ लेगा नीचे, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा देर रुक दीजिए, उसके बाद से पलटेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ा भी ये पकड़ नहीं रहा है, ठीक है, इस तरह से पलट दीजिए ताकि दोनों तरफ हो जाए, ठीक है। उसको फिर से छोड़ दीजिए, उसको ज़्यादा चलाना नहीं है, टूट जाएगा। धारा